निखिल सबका इंट्रोडक्शन देकर के। निखिल भाई, धर्मेंद्र जी आप? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जाटव है। और एक सेकंड धर्मेंद्र जी रुकना, एक आगे का लाइन मीडिया के साथियों के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। आगे का एक लाइन मीडिया के, मीडिया के नहीं है वो पीछे बैठ जाए। आगे का जिंगिस भाई और उनका बनाया हुआ है। और खासकर ये जो मुद्दे हैं, जो अहम नहीं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके मुद्दों को वरीयता दिलाने के लिए सरकार की उसमें ये इसके लिए। और ये गरीब बंदों कैलाश मीणा है, एन ए टी एम गंगों का राष्ट्रीय समन्वय है और एस आर अभियान है। मैं डॉक्टर राशिद हुसैन और मैं पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टी के मानव अधिकार उसका मैं उनके सारे जन संगठनों का, जिनको लगा कि 2 अप्रैल को दलितों ने, आदिवासियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज उठाई। उस आवाज में अधिकतर जगह, कुछ ही अपवाद को छोड़ के, बहुत अच्छे तरीके से एक अपना पेश किया कि इस देश में हर इंसान को बराबरी का दर्जा ना केवल कानून में लेकिन असलियत में मिलना चाहिए। उसके बावजूद, बहुत जगह उसके बाद एक दमन का पूरा दौर चला है और उन जगहों में हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम जाएं, उन मुद्दों को उठाएं, उन भाइयों और बहनों की बात उठाएं जो आप और हम मिलके इस देश के संविधान के तहत सब लोगों को एक इंसानियत का दर्जा देने का 70 साल का प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से जमीन पे उतरना चाहिए। वो आवाज़ थी हमें 2 अप्रैल की लगी। हम आए यहाँ उससे पहले एक छोटा सा संदर्भ है। जिग्नेश भाई, छोटा नहीं, मामला बड़ा है। जिग्नेश भाई नागौर जाना चाह रहे थे इसी संदर्भ में पिछले महीने, और जब वो आए और एयरपोर्ट में उतरे, तारीख क्या थी, 15 तारीख, तो उनको वहाँ रोक के कहा गया कि आप नागौर नहीं और जयपुर में किसी जगह नहीं, आप ना प्रेस वार्ता कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। और वो 30 तारीख तक रखा। वो हमारे लिए, पूरे राजस्थान में लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए और मानवाधिकार आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन भी था और एक बहुत बहुत भयंकर कदम था। वो आप जैसे लोगों के लिए भी है, क्योंकि यदि कोई जा नहीं सके, यदि जिन्हें कस्टडी में रखा नहीं, उनको कहा उनके ऊपर, हाँ, डिटेन एक तरीके से कि 15 दिन के ऑर्डर्स, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स दिए। अब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, आज जिग्नेश भाई, कल हम लोग, परसों मीडिया, और यदि कोई हम गलती करें तो हमारे ऊपर केस चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम सबके सामने हैं, आजकल वीडियो हर क्षण चलता है। लेकिन यदि आप ये कह रहे हो कि हमें आशंका है और आशंका पूरी जयपुर में है और आशंका नागौर जाने पर है, और आज हम उसका थोड़ा सा नमूना यहाँ देख नजर आई, और दलितों पर अत्याचार किस किस तरह का आपने महसूस किया? देखिए, पिछले करीब 1.5 महीने से राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार क्यों हमारी एंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रही थी, क्यों हमारी मूवमेंट को रोका जा रहा था, और हमारा एक भी यहाँ पर रैली या धरना या डेमोन्स्ट्रेशन ना हो, उसके ऊपर पाबंदी क्यों थी? अब हमको पता चला है, जब यहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया, घर में घुस घुस कर बर्बरता और जंगलियत के साथ यहाँ की पुलिस ने दलित बहनों का सर फोड़ा है, उनके ऊपर हथियार उठाए हैं, उनके बच्चों को पीट पीट कर मारा है, उनको घसीटा है, उनको पटका है। तो 2 अप्रैल और 2 अप्रैल के बाद यहाँ पर जो हिंसा हुई, उसकी सच्चाई बाहर ना आए, और राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार किस हद तक जातिवादी मानसिकता से लैस है, उसका भांडा ना फूटे, इसलिए हमको अब तक रोका गया।
हमने करीब करीब 8 परिवारों को मुलाकात ली, और आज मेरे बगल में पवन के माता पिता बैठे जिनके बच्चे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके सारे केसेस के बावजूद एक भी केस में न इन सामंती तत्वों के सामने, न पुलिस के उन लोगों के सामने जिन्होंने घर में घुसकर गैरकानूनी तरीके से दलितों के ऊपर ये उत्पीड़न किया, उसमें से एक भी मामले में ऑफेंस दर्ज नहीं हो रहा है। बल्कि जिन लोगों की पिटाई हुई उनके परिवार लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करके सैकड़ों बेगुनाह लोगों को इंक्लूडिंग सरकारी कर्मचारी दलितों को जेल के अंदर ठोस के रखा है, और आने वाले दिनों में दलित आंदोलन के जो कार्यकर्ता है, जो अंबेडकर राइट्स है, उनको राजस्थान के वसुंधरा राजे सरकार चुन चुन कर टारगेट करना चाहती है, ये हमको इंप्रेशन जा रहा है। और इसीलिए कहने का मन ये कह रहा है कि मोदी जी के होठों पर अंबेडकर और दिल के अंदर मनु बैठा हुआ है, और हमने भी तय किया है राजस्थान आएंगे, किसी की भी ताकत नहीं हमको रोक के दिखाए, और राजस्थान में कम से कम 1,00,000 दलितों से शपथ दिलाएंगे कि जीवन में कभी बीजेपी को वोट ना करें। अब क्या डिमांड है आपकी, जो मुख्य डिमांड यही है कि पूरे इस चैप्टर के दौरान, एपिसोड के दौरान, जिस पुलिस कर्मियों ने और सामंती तत्वों ने दलितों के ऊपर हमला किया उनके सामने कानूनी कार्रवाई हो, जिनके खिलाफ भी फर्जी फ्रिवलस चार्जेस लगे उन सारे केसेस को वापस लिया जाए, सारे विक्टिम्स परिवार को एट्रोसिटीज के कानून के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर फंड में से कॉम्पेंसेशन दिया जाए। पवन के माता पिता यहाँ पर बैठे, उनके लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो किसने उनके लड़के को मारा, उसका थरो गोइंग कम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच हो, और इस सारे मामलों की जांच के लिए एक निष्पक्ष SIT का गठन हो, जिसके अंदर एक ऐसा अफसर हो जिसका नाम राजस्थान की सिविल सोसाइटी प्रपोज करे।